आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मेरा रंग दे बसंती चोला माय रंग दे, गाते गाते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद भगत सिंह को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसने आजादी की नींव अपनी जान देकर रखी थी। आज उन्हीं की देशभक्ति के बारे में जानेंगे, आखिर इस वीर सपूत को इस छोटी सी उम्र में आजादी का भूत कैसे चढ़ा, और फिर कैसे कैसे हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज के युवकों के लिए बहुत ही बड़े आदर्श की बात है। भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक वे आज भी युवाओं के आदर्श हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, इनकी माँ का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह में बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा थी। जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन किया था। भगत सिंह की बहादुरी के कई किस्से हैं जो हमें इतिहास में देखने को मिलेंगे। वे खुद तो बहादुर थे ही, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को भी बहादुर बनाया था। लाहौर स्थापित नेशनल कॉलेज में भगत सिंह ने अपना नाम लिखवा लिया। कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर भगत सिंह भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाया। इस बीच वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन में एक मजबूत देशभक्ति दृष्टिकोण को आकार दे दिया। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। शहीद भगत सिंह के जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि 22 वर्ष के नौजवान के सीने में अंग्रेजों के प्रति आग की चिंगारी लग गई, आइए देखते हैं। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों की फांसी और वह 16 क्रांतिकारियों को जेल की सजा ने भगत सिंह के अंदर अंग्रेजों के प्रति और गुस्सा भर दिया। उसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 1928 में साइमन कमीशन के दौरान अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया। इस दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सैंडर्स को गोली मार दी। सुखदेव व राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में सभागार में बम और पर्चे फेंके थे। जेल में भगत सिंह लगभग 2 वर्ष रहे। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है।
वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भगत सिंह की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की और भारत की आजादी की लड़ाई में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें आज शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो एक बार हम सभी उस शहीद को हमारी खातिर जान देने पर सलाम करते हैं। जय हिंद। आसमान पर आज नजर आने लगे, शहीदों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। स्वतंत्रता अभियान के एक और महान क्रांतिकारियों में से सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, जो आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके जवाब में नौजवानों ने कहा, हम आपको अपना खून देंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। INA को दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वतंत्रता अभियान में बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिए और भारत के लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रहे, जिनकी निडर देश भक्ति ने उन्हें देश का हीरो बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी के चलते उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नारे जय हिंद की घोषणा की और उसे अपनी आर्मी का नारा बनाया। उनकी सेना में भेदभाव और धर्म भेद की जरा भी भावना नहीं थी। नवंबर 1941 में जर्मन पैसों से ही उन्होंने बर्लिन में इंडिया सेंटर की स्थापना की और कुछ ही दिनों बाद फ्री इंडिया रेडियो की भी स्थापना की, जिस पर रोज रात को बोस अपना कार्यक्रम किया करते थे। इसी दौरान बोस पिता भी बने। उनकी पत्नी और सहयोगी एमिली स्किनर, जिनसे वे 1934 में मिले, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जापानियों की सहायता से ही सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्निर्माण किया, जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक भी शामिल थे। ताइवान में हुए विमान अपघात में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी बहुत से भारतीयों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि उनका विमान हादसा वास्तव में हुआ भी था या नहीं। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया वह भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजाद हिंद फौज की कमान संभाल कर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए एक मजबूत सशस्त्र प्रतिरोध खड़ा करने में सफलता हासिल की थी। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मौ
और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नेताजी के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हम देश सेवा से ही जनदायिनी मिट्टी का कर्ज उतार सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा। नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनकी बोलने की शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद भी अपने साथियों का मान सम्मान रखते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए भी सोचनीय विषय। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इस तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। बस यही अंतिम इच्छा लेकर आजादी के मतवाले हमें जीने का मकसद और देश को रक्षा करने का प्रण देकर चले गए। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिसने जलियांवाले बाग के हजारों भाई बहनों के हत्यारे जनरल डायर को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उसी के देश और शहर लंदन में उसी की सभा में जाकर गोलियों से भूनकर बदला लिया। यह वीर शहीद कोई और नहीं बल्कि सरदार उधम सिंह था। आइए जानते हैं शहीद उधम सिंह के जीवन काल के बारे में। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारियों के रूप में दर्ज है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पंजाबियों को डराने के उद्देश्य से किया जा रहा था। यही नहीं, डायर बाद में भी जनरल डायर के समर्थन से पीछे नहीं हटे थे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाव गांव में कंबोज परिवार में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें एक बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उसके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमश उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मालिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म सामभाव के प्रतीक थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। भारत के तीन प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी तरह से अनाथ हो गए।
1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उधम सिंह अनाथ हो गए। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यादर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में कॉक्सटन हॉल में बैठक, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटे किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी जिससे उनकी तत्काल में ही मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्होंने पैंचनविले जिले में फांसी दे दी। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। जमाने भर से मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये थी वीर उधम सिंह की छोटी सी जिंदगी में पूरे देश पर अपना कर्ज छोड़कर जाने की कहानी। बता दे कि शहीद उधम सिंह के देश प्रेम और वीरता को देखते हुए उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के एक जिले का नाम भी इनके नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया है। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये थी वीर उधम सिंह की छोटी सी जिंदगी में पूरे देश पर अपना कर्ज छोड़कर जाने की कहानी। बता दे कि शहीद उधम सिंह देश प्रेम और वीरता को देखते हुए उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के जिले का नाम भी इनके नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया।